दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है परले। ये नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव दोनों की कॉमिक्स है और ये बहुत ही जबरदस्त कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। हर वस्तु की तरह संसार के भी जन्म के समय ही उसके विनाश का दिन भी तय हो गया था। इस दौरान कई भयंकर आपदाएं आई और कई युद्ध हुए, लेकिन संसार हर बार बच गया। पर वह दिन कभी ना कभी तो आना ही है, और शायद वह दिन आज ही है, क्योंकि आज राजनगर को अपना युद्ध स्थल बनाकर मानव और नाग आपस में टकराने जा रहे हैं, और इन दोनों सेना पर नेतृत्व कर रहे हैं दो तूफान, मानवों का ध्रुव और नागों का नागराज। मेरे मित्र नाग राजनगर में जो कुछ भी करना चाहते हैं उन्हें वह करने दो ध्रुव, वरना संसार भर में प्रलय आ जाएगी। ये नाग राजनगर में आतंक फैला रहे हैं, हर जगह ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, और ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं बता रहे हैं। हमने ऐसी परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं सिखा है, हम इन नागों को रोक कर ही रहेंगे। ऐसा करने से अगर आ जाती है तो आ जाए प्रलय। किसी भी मेट्रो से की रातें जितनी रंगीन होती है उतनी खतरनाक भी होती है, क्योंकि रात के अंधेरे में डूबे सुनसान रास्तों पर कई शिकारी घात लगाकर बैठे हुए होते हैं। महानगर में भी ऐसी मेट्रो सिटी है, इसलिए यहाँ पर ऐसे दर्शक सही नजर आ जाते हैं। खून से लथपथ एक व्यक्ति अपनी जान बचाने को भाग रहा है, और उसकी जान लेने को उसका शिकारी पल प्रतिपल अपने शिकार के पास आता जा रहा है। पर यह दृश्य कुछ अनोखा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी सामान्य मानव नजर नहीं आ रहा है। अधिकतर लोग यह दृश्य देखकर खौफ खाने या भाग खड़े होने से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन महानगर की सड़कों पर घूमते कुछ प्राणी इससे कुछ ज्यादा करते हैं। वे तुरंत अपने स्वामी को मानसिक संकेत भेजकर सूचित करते हैं, आई, और लगभग तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच जाता उनका स्वामी नागराज, जिसने इस पृथ्वी से अपराध और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की शपथ ली हुई है। अरे, यह व्यक्ति तो बुरी तरह से घायल हो गया है, पर यह क्या, इसके शरीर में बदलाव आ रहा है, वे यह अपना रूप बदल रहा है। ये देवकाल जी, यह तो एक इच्छाधारी नाग है, और वेशभूषा से नागदीप का नाग लग रहा है। इस पर हमला करने वाला वाला भी इच्छाधारी नाग ही है, लेकिन ऐसे नाग को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। खैरिये, बाद में सोचूंगा, पहले तो मुझे नागदीपवासी की जान बचानी है। तड़ाक, दूर हट। अरे, तुम तो विश्वपूत हो, महात्मा कालदूत के विश्वास पात्र, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, और तुम पर यह विचित्र नाग हमला क्यों कर रहा है? मैं नागराज का कालदूत नागदीप दीप विश्वपूत अपनी बात पूरी नहीं कर सका, क्योंकि उसी पल उसके गले से आकर कुछ टकराया और उसका गला पके फल की तरह फट पड़ा। ओ, विश्वपुत मुझे कुछ बता पाने से पहले ही शहीद हो गया, अब उसके अधूरे जवाब को पूरा करेगा उसका कातिल, यह विचित्र सर्प, मैं इसको भागने नहीं दूंगा। परंतु इसको काबू में कर पाना इतना आसान नहीं लगता है। विश्वपुत जैसे शक्तिशाली इच्छाधारी नाग को इसने जिस आसानी से खत्म कर दिया, वह कोई विलक्षण नाग ही कर सकता है। अभी तक तो मैं यह भी नहीं समझ पाया कि इसने आखिरकार विश्वपुत को मारा कैसे है। पहला वाद नागराज ने किया, इसको बहुत जल्दी काबू में करना पड़ेगा, तड़ौक। लेकिन दूसरा वार कर पाने का मौका उसको मिल ही नहीं पाया। तेरी शक्ति के विषय में मैं जानता हूं नागराज, पर तू मानव है और मैं विषासव, यानी विषाक्त असव नाग। शारीरिक शक्ति में एक मानव असव की बराबरी कभी नहीं कर सकता है, और मेरी दूसरी शक्तियों के बारे में तो तूने कभी सुना ही नहीं होगा, लेखा मेरे वार और चिल्ला। ओ, ये अपने शरीर से जहर की पोटलियां छोड़ता है, लेकिन इसके जहर से मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी। आह, इस जहर ने तो मुझे भी जला दिया, पर कैसे? सोचता रह नागराज, सोचता रह, शायद मरने से पहले तुझे कुछ समझ में आ जाए। फटक, इतना तो समझ में आ गया विशासव कि विषपूत को तूने कैसे मारा था, लेकिन अभी तक यह जानना बाकी है कि विषपूत को तूने क्यों मारा। अभी या तो मुझे अपने आप ही राज बता दे, या फिर मौत के बाद ये दुनिया देखने के लिए तैयार हो जा। यह भी एक नाग है, इसलिए इसको काबू में करने के लिए मुझे विष फुंकार का अधिक मात्रा में प्रयोग करना होगा। वैसे तो एक आम आदमी इतनी मात्रा से मर जाता, लेकिन अरे, तो मर गया आश्चर्य, ऐसा सर्प जिसका जहर मुझ तक को जला दे, वह इतनी सी विष फुंकार से कैसे मर गया?
बात जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। जरूर नागदीप या महात्मा कालदूत पर कोई मुसीबत आई है जिसके बारे में मुझे बताने विस्फूत यहाँ पर आया था, लेकिन उसको इस विचित्र सांप विशासव ने मार डाला। पर क्यों? इन सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे नागदीप जाना ही होगा, पर वहां जाने से पहले मुझे अपने दुश्मन की ताकत को समझ लेना चाहिए। नागदीप में आई समस्या फिलहाल उतनी गंभीर नहीं थी जितनी नागराज समझ रहा था। अजीब परेशानी है, इतने दिनों से हम इस वर्द के होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि हमको अपने बारे में और नागराज से अपने संबंध के बारे में कुछ बता सके, और जब यह होश में आया है तो अपनी याददाश्त खो बैठा है। हमारे पास यही एक रास्ता बचा था, इसकी पहचान के लिए हम नागराज को यहाँ बुला ले, क्योंकि बेहोश होने से पहले इसने नागराज का नाम और एक पता बताया था, इसलिए मैंने विस्फुट को उस पते पर भेजा था ताकि वह नागराज को मेरा संदेश दे सके। पर अब तक न तो विस्फुट वापस आया और न ही उसने कोई मानसिक संकेत भेजा है। मुझे तो अब चिंता हो रही है, महात्मा कालदूत को खतरे का गलत आभास नहीं हो रहा था क्योंकि खतरा नागदीप के सिर पर मंडरा रहा था। हमारी किस्मत अच्छी थी विचंदर, जो हमको इस बात की भनक लग गई कि कालदूत एक नाग मानव को नागराज को बुलाने के लिए भेज रहा है। खबर मिलते मैंने अपने एक वफादार को उस नाग मानव को खत्म करने के लिए भेज दिया था ताकि यह खबर नागराज तक न पहुंच सके। ठीक किया आपने, वरना अगर नागराज यहाँ पर आ जाता तो हमारी योजना खटाई में पड़ जाती। लेकिन अब तक तो आपके विश्वास पात्र को काम खत्म करके यहाँ पर आ जाना चाहिए था। हाँ, उसके पास अब तक वापस न आने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि विषा से खुद ही खत्म हो गया है, लेकिन वह नाग मानव अब तक वापस नहीं आया है, यानी वह भी खत्म कर दिया गया है। पर विषा सब को नागराज के अलावा कोई नहीं मार नहीं सकता है। जरूर नागराज विषा से टकरा चुका है, और अगर ऐसा है तो शायद नागराज यहाँ पर भी आता होगा, वो तब तो हमारी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। हिम्मत मत हारो, बस इतना याद रखो कि अब हमको काम बहुत जल्दी करना है। तुम मुझे कालदूत की गुफा तक चुपचाप पहुंचा दो, और फिर आज रात को ही कालदूत को खत्म करके तुमको नागदीप का सर्वेसर्वा बना दिया जाएगा। सच, कालदूत के खत्म होने के बाद मुझे किसी का डर नहीं रह जाएगा। पर भूलना मत, कालदूत को खत्म तभी किया जाएगा जब तुम पहले मेरा काम पूरा कर दोगे, याद रखना। विशेंद्र नागदीप का राजतांत्रिक था, फिलहाल वह नागदीप में घोषित अपराधी है। विषंदर के विषय में जानने के लिए पढ़े विषकन्या, ये कौन से आपको प्लेलिस्ट में नागराज के फोल्डर में मिल जाएगी। नागराज नागदीप पर जाने से पहले स्थिति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहता था, और इसके लिए उसको कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, तो उसको सिर्फ स्नैक पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर करुणाकरण से ही मिल सकते थे। ऐसा अद्भुत नाग सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। नागराज सांपों के जहर में मुख्यतः एल्केलाइड यानी क्षारीय तत्व होते हैं। ये तत्व जब किसी एक खून में मिल जाते हैं तो इनके कारण दिल की धड़कन बंद हो जाती है, लेकिन इसी साधारण सांप के अंदर जो जहर है उसमें मुख्यतः क्षारीय तत्व नहीं है बल्कि अम्लीय यानी एसिडिक तत्व है, और क्षार तथा अम्ल एक दूसरे के शत्रु होते हैं। वो इसीलिए साजिश का जहर भी स्पुत के लिए घातक सिद्ध हुआ, परंतु मेरे शरीर में जहर की मात्रा अधिक थी इसलिए मेरा जहर इसके लिए घातक सिद्ध हुआ। विस्फुट ये कौन, खैर छोड़ो। संक्षेप में इतना समझ लो नागराज, किस नाक की शक्ति तुम्हारी शक्ति की काट है। अगर तुम्हारे शरीर में बह रहे जहर को पॉजिटिव मान लिया जाए तो इसका जहर नेगेटिव होगा, और सभी जानते हैं कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो चारों तरफ तबाही तबाही फैल जाती है, प्रलय आ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव नागों ने नागदीप पर हमला किया हो और इसी कारण से महात्मा कालदूत ने विस्फुट को बेचकर मुझसे मदद मांगी हो। मुझे बिना एक भी पल खोए नागदीप पर पहुंचना होगा। लेकिन नागदीप पर मुसीबत टूट चुकी थी, और यह मुसीबत एक एक कदम बढ़ाते हुए महात्मा कालदूत की गुफा तक आ पहुंची थी। आह, महात्मा कालदूत एकाग चौंक उठे। अरे, यह आवाज कैसी थी? कौन है वहां बाहर? मैं हूं कालदूत, हालांकि हम सैकड़ों साल बाद मिल रहे हैं, फिर भी मुझे पूरा भरोसा कि तुम मुझे अब तक भूले नहीं होगे। सच है ना कालदूत? विशाला, तू यहां तक कैसे पहुंच गई?
तुम्हारे नागद्वीप में कई गद्दार नाग है कालदूत, उनमें से एक नागतांत्रिक विषंधर मुझसे टकरा गया। वह न जाने क्यों तुमसे बचकर कहीं सुरक्षित जगह पर छिपना चाहता था। उसी ने तुम्हारा जिगर किया और मुझे खुद यहां तक ले आया। ओ समझा, पर क्यों? ताकि मैं तुमको मारकर उसका नागद्वीप का सबसे शक्तिशाली नाग बना दूं। बस वो मूर्ख यह नहीं जानता कि तुमको शक्ति करना तो संभव है पर मारना नहीं। सुनो, इतना तो तुमको सैकड़ों वर्ष बाद भी याद है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है? सैकड़ों वर्ष पहले हम साथ थे कालदूत, तुमने हमारी जाति के साथ धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया, मेरी जाति के सर्प को नष्ट कर दिया और वहां से तुम मेरे कीमती चीज भी उठा लाए थे। मैं वही चीज वापस लेने आई हूं। वह चीज तुम्हारी नहीं थी विशाला, और न ही तुम्हारे किसी काम की थी, और तुम्हारी जाति के सर्प को नष्ट करके मुझे कोई खुशी नहीं हुई थी, लेकिन वे सर्प पृथ्वी से अन्य प्रजातियों को का संहार करके खुद राज करना चाहते थे, इसलिए मुझे उनको मारना पड़ा। तुमको तुम्हारे एक सेवक के साथ मैंने सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ दिया था ताकि तुम्हारी जाति की विलुप्त प्रजातियों में गिनती न हो, लेकिन अब मुझे लग रहा कि तुमको जिंदा छोड़कर मैंने एक बड़ी गलती कर दी थी। तुम अभी भी अन्य प्राणियों के लिए खतरा हो। आज मैं विशाला नाम के खतरे को दूर करके ही रहूंगा। ले विशाला, संभाल मेरी विष पुकार को। तुम बोल रहे हो कालदूत कि हमारी शक्तियां एक दूसरे की विपरीत शक्तियां हैं। तुम्हारी विष पुकार को मेरी विष पुकार निष्क्रिय कर देगी। लेकिन पिछले 150 सालों में मैंने साधना के द्वारा जो शक्तियां प्राप्त की है उनकी काट तुम्हारे पास भी नहीं है। ले मेरे विष अंगारों को झेल कर दिखा। कालदूत का विशाला से ऐसे खतरनाक हमले की आशा नहीं थी। उसने बचने की कोशिश तो करी लेकिन बच नहीं सका। आह या आह, तीन विष अंगार कालदूत के तीनों माथों पर आ चिपके और कालदूत के मुंह से तीन चीखें एक साथ उभरी। हा, यह नरक की अग्नि कालदूत, यह तेरी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से जलाकर भस्म कर देगी, और उसके बाद तो जिंदा तो रहेगा लेकिन मुर्दे से भी कई गई गुजरी स्थिति में रहेगा। हम अपनी साधना शक्ति से जल्दी इसकी काट ढूंढ लेंगे दुष्ट। मैं तुमको उतनी देर का समय नहीं दूंगी कालदूत। कालदूत की गर्दनों पर शिकंजे कसने लगे और साथ ही साथ वेदाचार्य की बेचैनी भी बढ़ने लगी। मैं कौन हूं यह तो मुझे भी याद नहीं, और मुझे बचाने वाले यह महापुरुष कौन है यह मुझे पता नहीं, लेकिन इनकी शरीर तरंगों से मुझे यह स्पष्ट आभास हो रहा कि यह पुरुष न्याय का रक्षक है और यह स्त्री दुष्ट है, और इस वक्त पाप पुण्य पर भारी पड़ रहा है। मुझे इस महापुरुष की पुरुष की सहायता करनी होगी। विशाला की शरीर तरंगों को अपने मस्तिष्क में रडार की तरह पकड़ते वेदाचार्य विशाला की तरफ लपके, और वेदाचार्य की तरफ से सावधान विशाला भारी हथौड़े सा एक गुस्सा खाकर पलट गई। धौड़! इस व्यवधान ने कालदूत को बचाव करने का मौका दे दिया, क्योंकि उसकी गर्दनों पर कसे शिकंजे खुल चुके थे। विशाला के अनुसार यह नरक की अग्नि है, यानी इसको यज्ञ का भी मंत्री जल बुझा सकता है, क्योंकि इस जल में देवों का आह्वान किया जाता है। कालदूत को बचाने की प्रक्रिया में वेदाचार्य ने अपने आप को खतरे में डाल दिया था। उन्हें विशाला पर वार करने की जरूरत किए बुढ़े, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आह्वान बुलाया जाना। विशाला का करारा वार खाकर वेदाचार्य का मस्तिष्क अंधेरे की गहराइयों में डूबता चला गया, और एक बार फिर आमने सामने खड़े हो गए कालदूत और विशाला। मैंने तेरी शक्तियों का सही मूल्यांकन नहीं किया था विशाला, तू पहले से भी अधिक शक्तिशाली और दुष्ट हो गई है। आज मैं तेरे जीवन का यही समाप्त कर दूंगा। विद्युत को भी मात कर देने वाली गति से लपका कालसर्पी, और उसकी मजबूत कुंडली में कैद हो गई विशाला। आह, यह मुझे अपनी कुंडली में कसकर पीस डालना चाहता है, लेकिन इसके ऐसा कर पाने से पहले मैं इसको अपने विष से गला डालूंगी। ऐसा कर पाने से पहले तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। चीर चला, अगर चल पाता तो विशाला को अवश्य चीर डालता। अरे यह क्या, यह तो तांत्रिक प्रहार था। कालदूत पर किसने यह प्रहार करने का साहस किया है? मैंने कालदूत। विषंधर, तूने मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की?
बुढ़ापे में तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है कालदूत। मैंने अभी अभी तुमको बताया था कि विषनधरी मुझे यहाँ तक लेकर आया है। दरअसल तुम्हारी गुफा के बाहर के सर्प सैनिकों को भी इसी ने मारा था, और जैसा कि तुम देख सकते हो, इसको अपने साथ लाना मेरे लिए काफी काम आया। इसने मुझे इतना वक्त दे दिया कि मैं अपने विष से गले तुम्हारे काल सभी को तोड़ सकूं। चट चटाक, काल सभी तोड़कर तू हमको रोक नहीं सकती विशाला। तू कालदूत की तंत्र शक्तियों के सामने टिक नहीं सकती। मुझे ज्यादा देर टिकने की जरूरत भी है भी नहीं कालदूत, क्योंकि मैंने तुझे मात देने का रास्ता ढूंढ लिया है। तेरी शक्तियों का राज है तुम तीनों की शक्तियां संयुक्त रूप में होना, और यह संयुक्त रूप तुम अपनी इच्छाधारी शक्ति से बनाए रखते हो। और अगर मैं अपनी विपरीत इच्छाधारी शक्ति से तुम्हारी इच्छाधारी शक्तियों को काट दूं, तो तीन अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा। और तेरे तीन भाग होने से तेरी शक्ति भी तीन भागों में बट जाएगी, और तब तुझे एक एक करके परास्त करने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। कड़ाक, विशाला ने अपनी इस अप्रत्याशित योजना से कालदूत को मात दे दी थी। वाह, कमाल कर दिया आपने देवी विशाला, कालदूत को परास्त कर दिया। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आज से नागदीप का राजा हूं, नागदीप का सबसे शक्तिशाली नाग। अभी नहीं विषंदर, बिना मेरा काम पूरा किए बिना तुम राजा नहीं बन सकते। आओ मेरे साथ, हम जिस चीज की तलाश में है उसको कालदूत जरूर गुफा के अंदर ही रखता होगा। विषंदर के साथ साथ विशाला कालदूत की गुफा के अंदर बढ़ती चलेगी, जहां तक पहले कभी कोई नहीं गया था। तब तक जब तक उसे वह चीज नहीं दिख गई जिसकी उसे तलाश थी। मिल गया, वैरामर सप्तिक। यह क्या है देवी? ऐसी वस्तु तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह कालदूत की शक्ति का स्रोत है विषंदर, तुम्हें इसी को लेकर अंडमान स्थित मेरी बलि वेदी पर रखकर आना है, क्योंकि इस शक्ति को सिर्फ वहीं पर सुरक्षित रखा जा सकता है। अब जल्दी करो, अगर कोई नाग कालदूत से मिलने आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अपनी मान सकते हुए बावजूद भी मैं पूरे नागदीप से एक साथ निपट नहीं सकती। अब यह सप्तिक उठाओ और यहां से निकल लो। नागदीप से बाहर निकलने तक विशाला और विषंदर के सामने कोई अवरोध नहीं आया। अब तुम यह सप्तिक लेकर तुरंत मेरी गुफा की तरफ रवाना हो जाओ विषंदर, वक्त बहुत कम है। मैं निकल जाऊं अकेला? आप मेरे साथ साथ नहीं आ रही है? नहीं, मुझे यहीं पर रुकना होगा, क्योंकि अगर नागराज यहां तक पहुंच गया तो उसको नागदीप पहुंचकर कालदूत से मिलने से रोकना होगा, वरना हमारी सारी योजना चौपट हो सकती है। अब जाओ। योजना? इसकी योजना क्या है? जाने दो, अगर पूछा तो कहीं क्रोध में यह मुझे ही ने मार डाले। विशाला की योजना से अनजान विषंदर अपनी तंत्र शक्ति से अंडमान की तरफ रवाना हो गया, पर उसकी बदकिस्मती से नागदीप से अंडमान जाने का सबसे छोटा रास्ता राजनगर होकर ही जाता है, और राजनगर में घुसने के बाद और निकलने से पहले हर अपराधी को एक चट्टान से टकराना पड़ता है, एक ऐसे अधिक चट्टान से जिसको आज तक अपराध की एक भी लहर पार नहीं कर पाई है, और वह चट्टान है सुपर कमांडो ध्रुव। टी टी ठक, राजनगर के सुनसान तटों से आज कल काफी तस्करी हो रही है, और 80 किलोमीटर लंबे तट पर कोई एक साथ नजर नहीं रख सकता। इसलिए मेरी कमांडो फोर्स ने राजनगर के सुनसान हिस्सों में 1-1 किलोमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा दिए हैं, जो स्टीमर या जहाज जैसे किसी भी चीज के तट के नजदीक आते ही सिग्नल भेजने शुरू कर देंगे। अभी आ रहे हैं ऐसे सिग्नल, यह बता रहे हैं कि कोई शिप सेंसर नंबर 33 और 34 के बीच आकर रुकी है। अब समस्या सिर्फ एक ही है, तट का वह हिस्सा यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। अगर मुझे 2 मिनट से ज्यादा का वक्त लगा तो शायद शिकार मेरे हाथों से निकल जाएगा। मुझे शॉर्टकट से जाना होगा, तभी मैं वक्त पर वहां पहुंच पाऊंगा। ध्रुव अपने अनोखे शॉर्टकट से राजनगर तट के एक खास सुनसान हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वह खास हिस्सा अब सुनसान नहीं था। वेलकम रोड्स, कितना माल आयो आज? 2,000 पीस, 500 रुपये एक पीस का भाव है। मंजूर है, माल उतारो। लेकिन माल उतार पाने से पहले ही सन्नाटे में एक धड़ाहट गूंज उठी। धड़ धड़ धड़, कोई आ रहा चुरू? मोटरसाइकिल की आवाज है, ज्यादा से ज्यादा 2 पुलिस वाले होंगे। घबराता क्यों? 2 से तो निपट ही लेंगे। 2 नहीं, सिर्फ 1 ही होगा चुरू, ध्यान से सुन, ये खास मोटरसाइकिल की आवाज है।
सुपर कमांडो ध्रुव आ रहा है, सुपर कमीना बोल, अब जमा हुआ क्यों है? भाग, भागने के लिए दोनों तस्कर तैयार तो हुए, लेकिन दिल ही दिल में वे दोनों यह बात जानते थे थोड़ा थोड़ा कि वे भाग नहीं पाएंगे। परी से जहाज में बैठे तस्कर सावधान हो गए थे, वो ग्राहक तो पिट गए लेकिन दुकानदार भाग रहा है, पर मैं बगैर यह देखे इसको जाने नहीं दूंगा कि आखिर ये बेचने क्या आया था, एक S-47 RDX और या फिर हेरोइन। बूम, एक्सीलेटर के पूरे घुमाव ने ध्रुव को हवा में उछालकर ठीक अपने लक्ष्य पर जा गिराया। धड़ाव, नहीं मुझे मत मारना, मैं तो मामूली इंजन मैन हूँ, स्मगलर नहीं। तो बताओ क्या लेकर आए हो इस जहाज पर, नशीली चीजें या विस्फोटक? दोनों में से कुछ भी नहीं, हम ये लेकर आए थे मछलियां, मछलियों की तस्करी। हाँ पर ये मामूली मछलियां नहीं है, ये पिराना मछलियां हैं, ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका के समुद्रों में मिलती है। ये खून की गंध से आकर्षित होती है और वैसे जितने बड़े प्राणी के पूरे मांस को कुछ ही मिनटों में चट कर सकती है। आजकल अपराध जगत में इनकी मांग बहुत बढ़ रही है, माफिया गैंग इनका इस्तेमाल अपने शिकारों की लाशों को चट करवाने में कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर का कानून तब तक किसी हत्या को साबित नहीं कर सकता जब तक लाश न मिले, और लाश मिलेगी कैसे जब मांस को तो पिराना चट कर जाए और हड्डियों का चूरा बना दिया जाए। ओ, राजनगर में कई लापता व्यक्तियों के न्याय मिलने का एक कारण यह भी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुमको सरकारी गवाह बनाकर सजा से बचा लूंगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा साहब। वेरी गुड, अब जहाज को किनारे ले। अरे वह क्या है, तुम्हारा कोई आदमी है क्या? हमारा आदमी नहीं तो, पर यह तो पानी पर चल रहा है, कुछ गड़बड़ है। जहाज को इसे पास ले चलो और इसको रोकने की कोशिश करो। विश्वंदर का ध्यान जांच की तरफ नहीं था। यहां तक आने में मैं अपनी काफी तंत्र शक्ति खर्च कर चुका हूं, पर अब जमीन पर बिना तंत्र शक्ति काम चल जाएगा। तट पर एक गाड़ी खड़ी दिख रही है, इसको कब्जे में करके मैं इसके जरिए जमीन को पार करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाऊंगा और फिर विशाल की गुफा तक पहुंचना मामूली काम है। फिलहाल तो विश्वंदर के लिए अरब सागर को पार करना ही मुश्किल होने वाला था। अरे यह क्या, यह जलयान मेरा रास्ता क्यों रोकना चाहता है? मेरे रास्ते से हट जा लड़के, अपनी आयु की रेखा को बीच में क्यों काट देना चाहता है? हट जाऊंगा लेकिन यह जाने के बाद कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे हाथ में यह क्या है? मेरे बाएं हाथ में क्या है यह जानने की तुझे कोई जरूरत नहीं है लड़के, क्योंकि मेरे दाएं हाथ में तेरी मौत है। ओ, यह तो कोई तांत्रिक लगता है और अपने मंत्र दंड से यह मुझ पर घातक वार कर रहा है। अब मैं इस जलयान को ही तोड़, अरे यह मैं क्या मूर्खता कर रहा हूं, अगर मैं इस जलयान को अपने कब्जे में ले लूं तो मैं इसके द्वारा अंडमान द्वीप समूह तक पहुंच सकता हूं, और ऐसा करने से मैं भूमि पर आने वाली रुकावटों से भी बच जाऊंगा। मैं अभी इस लड़के को खत्म कर देता हूं, वैसे भी मेरे पास अब बहुत थोड़ी सी तंत्र शक्ति बची है। धम, इस जलयान को हथियाने से मैं और तंत्र शक्ति खर्च करने से बच जाऊंगा। ध्रुव को विश्वंदर की शक्तियों का अंदाजा नहीं था, और जब तक उसको यह अंदाजा लग पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कड़ 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 यह तो सचमुच में तंत्र शक्ति यह वार कर रहा है, ठीक वैसे जैसे कुछ वर्षों पहले चंडकाल ने मुझ पर किए थे और मैंने उसके मंत्र दंड को उसके हाथों से गिरवाकर उस पर काबू पाया था। पड़े किरेगी का कहर, यह कॉमिक्स आपको प्लेलिस्ट में सुपर कमांडो दुर्गा फोल्डर उसमें मिल जाएगी। इन तांत्रिक महाशय पर भी वही तरकीब आजमानी पड़ेगी। ओह खड़ाक, विश्वंदर के तांत्रिक वार से टूटे लकड़ी के टुकड़े ने विश्वंदर को अपना मंत्र दंड गिराने पर मजबूर कर दिया, और अगले पल मंत्र दंड समुद्र में जा गिरा। तड़ाक, ध्रुव की से अप्रत्याशित हरकत ने विश्वंदर को क्रोध से पागल कर दिया। तूने मेरा मंत्र दंड समुद्र में फेंक दिया, मेरे शरीर को घायल करके मेरा लहू बहाया, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। देख तांत्रिक विश्वंदर की शक्ति को, आंखें फाड़ कर देख, क्योंकि अब तेरी आंखें कभी बंद नहीं होगी, खुली आंखें लेकर मरेगा तू। ओह, ये रस्सियां तो मेरे बदन पर कसती जा रही है,
मेरा दम घुट रहा है और तंत्र शक्ति से युक्त इन मामूली बंदरों को मैं तोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। अगर कुछ पलों के अंदर कोई रास्ता नया सूझा तो ओ ये मछलियां शायद मेरी मदद कर सके। ताड़ ध्रुव ने पहले तो अपने आजाद पैरों की मदद से पिराना मछलियों से भरे दोनों कंटेनरों को समुन्द्र में पलट दिया। और फिर विषुंधरी कुछ समझ पाने से पहले ध्रुव के सिर की एक जोरदार टक्कर से विषुंधर पानी के अंदर था, धड़ाक, पिराना मछलियों के बीच में। जोश की कलाई से बहते खून की गंध को से आकर्षित होकर उसका मांस नोच खाने को बेताब हो रही थी। विषंदर तड़प उठा, उसने अपनी पूरी तंत्र शक्ति को पिराना के मले से बचने में झोंक दिया और ध्रुव को बांधने वाली रस्सियों में से तांत्रिक असर खत्म हो गया। अब ध्रुव के लिए उनको तोड़ पाना मामूली सी बात थी। ठीक वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा था, इसकी तंत्र शक्ति का संपर्क इन बंदरों से टूट गया है। वैसे तो मैं किसी भी इंसान को पिराना मछलियों के बीच में न फेंकता, लेकिन यह एक तांत्रिक है। पिराना इसको घायल तो कर सकती है पर जान से नहीं मार सकती। ध्रुव की सोच एकदम सही थी। इन मछलियों ने तो कुछ ही पलों में मेरे शरीर को सत विकसित कर डाला है। अब मुझे इनको एक साथ खत्म करने के लिए अपनी बचे खुची तंत्र शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना ही होगा। तंत्र ऊर्जा के तेज झटके ने पिराना मछलियों को तो खत्म कर दिया, लेकिन विषंदर को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मेरा पहला काम इस शक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, इसलिए मुझे यहां से चुपचाप निकल जाना होगा, क्योंकि इस वक्त मैं किसी का भी सामना करने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने उस लड़के को एक मामूली मानव समझा था, पर उसने मेरा मंत्र दंड समुद्र में फेंक दिया। मुझे बच्ची कुछ ऊर्जा को खर्च करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मैंने भी अपना बदला ले लिया। अब तक मेरे तांत्रिक बाजू बंधन उस लड़के के प्राण निकाल, अरे यह बच गया। अब समझा, जब पिराना मछलियों पर मैं तंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहा था तो इन बंधनों से मेरा संपर्क टूट गया होगा। शायद इस लड़के ने मुझे पिराना के बीच में इसलिए गिराया था, इसका दिमाग तो खतरनाक रूप से तेज है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इससे दूर निकल जाना चाहिए। अरे अरे यह भाग रहा है, इंजन मैन जहाज को फिर इसके पीछे ले चलो। अरे इंजन इंजन रूम तो खाली है, लगता है वह इंजन मैन मौका पाकर भाग निकला है। खैर मेरे पास और भी तरीके हैं अपनी तंत्र शक्ति के बल पर तेज गति से भागते हुए इस तांत्रिक को पकड़ने के। सीटी ध्रुव के गोल होठों से एक खास तरह की सीटी उभरी और लगभग तुरंत ही उसके जवाब में एक डॉल्फिन समुद्र की सतह पर उभर आई। स्वागत है दोस्त। अब ध्रुव के पास तेज गति से चलने वाला एक समुद्री वाहन मौजूद था। ध्रुव कई अन्य पशु पक्षियों जीव जंतुओं से बातचीत करने की क्षमता भी रखता है। ध्रुव को विषंदर तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। डॉल्फिन के एक जोरदार टक्कर से विषंदर तो हवा में उछल ही गया, तड़ाक, साथ ही साथ अमर सप्ते भी उसके हाथों से छुटकर राजनगर तट से लगी चट्टानों के बीच में गिरकर गुम हो गया। सप्ते के साथ साथ विषंदर के होश भी गुम हो गए। यह क्या हुआ? इन चट्टानों के बीच में से तो मैं सप्ती को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। अगर मेरी तंत्र शक्तियां पूरे जोर पर होती तो शायद मैं सप्ती को ढूंढ भी लेता, लेकिन अब तो यह काम असंभव लगता है। देवी विशाला इस गलती के लिए मुझे मुझे जान से मार डालेगी। अब तो एक ही रास्ता समझ में आता है, और वह यह कि मैं अपनी बची खुची तंत्र शक्ति को प्रयोग में लाकर यहां से अदृश्य हो जाऊं और फिर छपने की कोई सुरक्षित जगह ढूंढूं। अरे यह क्या, यह तो गायब हो रहा है। आखिर यह सब चक्कर था क्या? कौन था यह विषंदर और यह उस चमकते मणि को लेकर कहाँ जा रहा था? खैर हवा में सिर मारने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी तो इन स्मगलरों को पुलिस के हवाले कर दूं, तो फिर इस घटना पर विचार करूंगा। इस घटना पर विचार नागदीप में चल रहा था। हमारी शक्तियां फिर से संयुक्त रूप बनाने में व्यय होकर क्षीण हो गई हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को यह नहीं बता पा रहा हूं कि वह अमर सत्य की इस समय पृथ्वी के किस की बिंदु पर है। मैं बस इतना बता सकता हूँ वह सत्य किस जगह के आसपास मिलेगा। वह अमर सत्य तुम इच्छाधारी नागों के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। इतना आवश्यक है कि अगर उसको 2 दिनों के अंदर अंदर लाकर मेरी गुफा में प्रतिस्थापित न कर दिया गया तो शायद तुम में से एक भी नाग जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि उस सत्य के कारण ही तुम इच्छाधारी नाग सैकड़ों वर्षों की आयु तक जीवित रहते हो।
इस कारण से यह जरूरी है कि तुम सारे नाग उस इलाके की तरफ रवाना हो जाओ जहां पर शक्ति के मिलने की संभावना है, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर एक बहुत बड़े इलाके का चप्पा चप्पा छानना पड़ेगा। और तुम सभी नागों के एक साथ जाने का दूसरा कारण यह है कि अगर कहीं शक्ति पाने के लिए तुम लोगों की विशाला से मुठभेड़ हो गई तो उसको हराने के लिए समस्त नागों को अपनी पूरी शक्ति एक साथ लगानी होगी। विशाला से हुई मुठभेड़ ने मुझे इतना शक्तिहीन कर दिया कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पा रहा हूं। अब तुम सब लोग जाने की तैयारी करो, मैं यहीं पर रहकर उस बेहोश अंधे वृद्ध का इलाज भी करूंगा और तुम लोगों की प्रतीक्षा भी। दोस्तों यहाँ पे मैं इसका पार्ट वन कर रहा हूँ, ये बड़ी कॉमिक्स है, करीब 90 पेज की है, तो इसका यहाँ पे पार्ट वन कर रहा हूँ और इसका पार्ट टू आपको मिल जाएगा 1 घंटे के बाद नागराज के फोल्डर में। तो मिलते हैं इसके पार्ट टू में 1 घंटे के बाद। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको नागराज और ध्रुव दोनों के फोल्डर में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। तो मिलते हैं इसे पार्ट टू में।